हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज की जो वीडियो है, हर वीडियो की तरह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो है इंस्टाग्राम से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है कि आपको इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा। तो अगर आप एक यूट्यूबर है तो आप चाहते हैं कि आप अपने अबाउट सेक्शन में जाकर के वहां पे इंस्टाग्राम का लिंक दे, तो उसके लिए आपको लिंक निकालना पड़ता है। या फिर आप चाहे तो अपने फेसबुक में भी अपने अबाउट इन्फो में जाकर के इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होगा आपका इंस्टाग्राम का लिंक। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई थी फेसबुक के लिए। मतलब अगर आपको फेसबुक का लिंक निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, कहाँ पे वो आपको ऑप्शन मिलेगा। तो फेसबुक के लिंक वाली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में चले जाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रॉल हो ही रहा होगा। आप चाहे तो पहले उसे देख सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह से फेसबुक के लिंक को मैंने निकाला था, उसी तरह से इंस्टाग्राम के लिंक को भी मैं निकालूंगी। उसकी सेटिंग बताऊंगी, कौन कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा लंबी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते इस वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के साथ। सो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से अपने इंस्टाग्राम के लिंक को जो है यहाँ पे निकालेंगे। तो अगर आप एप्लीकेशन में जाकर के चेक करेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप चाहते हैं कि लिंक कॉपी कर ले तो आपको दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, उससे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अच्छा और बेस्ट तरीका बताने वाली हूँ। तो उसे करने के लिए सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद में वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम, ठीक है। मतलब क्रोम ब्राउजर में जाकर के आपको अपना इंस्टाग्राम लॉगिन कर लेना है। तो मुझे टॉप साइट्स में इंस्टाग्राम मिल ही जाएगा, आप देख सकते हैं ये मुझे मिल गया। तो यहाँ पे सिंपली मैं टच कर देती हूँ एंड यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है, ओके। क्योंकि अगर आप अपने एप्लीकेशन से जाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्रोम ब्राउजर से जा करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी लॉगिन कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है एंड यहाँ पे मुझे ये कंटिन्यू एज anisha.459 करने को कर रहा है, तो मैं कर देती हूँ क्योंकि यही मेरा अकाउंट है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो आप मुझे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है ऐड इंस्टाग्राम टू योर होम स्क्रीन, मुझे नहीं करना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एप्लीकेशन है, कैंसिल कर देती हूँ। अब यहाँ से आपको अपना जो प्रोफाइल है वो ओपन कर लेना है नीचे में, ओके। टर्न ऑन करना है नोटिफिकेशन तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत कीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपका जो प्रोफाइल है वो आपके एप्लीकेशंस जो होते हैं इंस्टाग्राम के, उसमें भी ओपन होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको मिल रहा है। अब अगर आपको अपना इंस्टाग्राम का लिंक कॉपी करना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, ऊपर में जो लिंक दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस कर देना है एंड आप देख सकते हैं नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो https उसके बाद में www.instagram, ठीक है, यहीं पे आपको कॉपी कर लेना है और हो गया आपका लिंक कॉपी। अब उसके बाद में जहाँ कहीं भी आपको पेस्ट करना है आप आराम से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने WhatsApp में किसी को भेजना है तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं, आपको अपने YouTube में लगाना है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भेज दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चेंज किया हुआ है अपना URL, इस तरह से तो आ रहा है। इसी वजह से आपने अगर नहीं चेंज किया होगा तो और 1 2 3 4 7 पता नहीं क्या क्या नंबर्स आते हैं। तो अगर आपको जानना है कि आप अपने URL को कैसे चेंज करेंगे, मतलब कैसे कस्टमाइज करेंगे, मतलब anisha.459 जो है ये नाम है, अगर ये लिख करके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा मेरा अकाउंट। लेकिन अगर आपने इस URL को चेंज नहीं किया हुआ है तो फिर बहुत सारे नंबर्स HQW7 ये सब रहते हैं, तो वो आप कैसे चेंज करेंगे जानना है तो कमेंट कीजिए, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरह से करना है एंड शेयर कर दीजिए। और अगर कोई इस लिंक पे क्लिक करता है तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे डायरेक्टली वो पहुँच जाएगा। तो ये मेरा देख सकते हैं एप्लीकेशन में ओपन हो चुका है। एप्लीकेशन में ऊपर का जो लिंक वाला ऑप्शन है वो दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं और जहाँ कहीं भी मन करे आपको पेस्ट कर सकते हैं। तो बस यही थी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया आपने तो जल्दी से कर लीजिए मुझे। सो फ्रेंड्स, बस यही छोटी सी वीडियो थी, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर के आप अपना लिंक जो है इंस्टाग्राम का वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और फिर उसके बाद में आपकी जहां मर्जी हो वहां पेस्ट इसे कर सकते हैं। लिंक का काम क्या होता है कि जैसे ही कोई बंदा लिंक पे क्लिक करता है तो डायरेक्ट वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में पहुंच जाता है। अगर कोई बंदा फेसबुक के लिंक को क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो फेसबुक के अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ये होता है लिंक का सबसे अच्छा बात।
इसीलिए सारे लोग लिंक के पीछे लगे हुए रहते हैं। तो अब आपको भी पता चल गया कि कैसे लिंक को यहाँ पे ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल वाले बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको मन करता है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जिनको जरूरत है उनको पता चल सके। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बार में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स है, अगर आपको मन करता है तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।